सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं एक और कमाल का फेस स्मूथ वीडियो लेकर आ चुका, जो कि गाइज आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हो कितना कमाल का फेस स्मूथ मैंने किया है और फुल HD क्वालिटी के साथ। तो सेम गाइज आपको भी मैं फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों करना क्या कि आपको मेरे वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना है। और गाइज अगर आप ये वाला वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हो तो गाइज आपको 100% गारंटी है गाइज आपको फेस स्मूथ करना और फोटो एडिटिंग करना आ जाएगा, क्योंकि गाइज आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हो कितना कमाल का फोटो एडिटिंग मैंने किया है गाइज। क्योंकि पहले मेरा फोटो ऐसा था लेकिन एडिटिंग करने के बाद फोटो हमारा कुछ ऐसा हो गया जाए गाइज, क्योंकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लगता है गाइज, जो कि आपको YouTube पे कोई भी गाइज रियल वाला ट्रिक जो है नहीं बताता है। तो गाइज मैं आप सभी के लिए रियल वाला ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच करिए एंड गाइज आप भी इस टाइप का फोटो बनाना सीखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे फोटो को देखिए, क्वालिटी कितना बेकार है, कितना लो गाइज, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फुल HD क्वालिटी में फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए कितना बेकार है, लेकिन फोटो एडिटिंग करने के बाद कितना था खतरनाक हो चुका है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट जो है करते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने फोटो को आपको क्या करना है कि लाइटरूम के अंदर लेकर जाना है। तो चलिए दोस्तों फोटो को लाइटरूम के अंदर मैं लेकर चलता हूँ। तो सिंपल से यहाँ से फोटो को मैं लाइटरूम के अंदर जो है शेयर कर दूंगा, और शेयर करने के बाद गाइज अपने लाइटरूम को मैं डायरेक्ट ओपन करूंगा और हमारा फोटो यहाँ पर लाइटरूम के अंदर जो है आ चुका है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो गाइज ये मेरा फोटो यहाँ पर आ चुका है। आप फोटो को तो देख सकते हो कितना कमाल का फोटो हमारा जो है लग रहा है। तो सिंपल से इस पर मैं अपना एक प्रीसेट को यूज करूंगा, जो कि गाइज मैं आपको यूज करके दिखा, तो इसका सेटिंग को मैं कॉपी कर लूंगा और गाइज इसको अपने फोटो पर मैं पेस्ट कर दूंगा, जो कि गाइज एक क्लिक में फोटो हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आप होम स्क्रीन पर देख सकते हो एंड इतना ज़्यादा मस्त गाइज हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का गाइज लग रहा है। अब गाइज इस कलर पर जाएंगे, मिक्स पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट हुआ है, तो इसको गाइज इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर रेड हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। सिंपल सा फोटो को अब शेयर करने के स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर गाइज क्या करना है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले इस टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्टिव पे जाना है। अब गाइज अपने फेस पर आपको इस टाइप से सेलेक्ट करके और इस टाइप से ब्राइटनेस जो है हाई करना है गाइज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमाल का गाइज लग रहा है। ब्राइटनेस हाई हो रहा है, फेस हमारा व्हाइट हो रहा है। तो ऐसे ही पूरे के पूरे फेस पर जो है आपको कर लेना दोस्तों, आपका फेस मेरे जैसा व्हाइट हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर व्हाइट करके, देख ही सको कितना कमाल का दोस्तों ये लग रहा है गाइज। ऐसे पूरे फेस पर करना है हमको। अब दोस्तों हमारा फेस तो वाइट हो चुका है दोस्तों, अब हम बैकग्राउंड को बनाएंगे। तो हम क्या करें कि इस फोटो को हम पीकेट एप्लीकेशन के अंदर जो है फोटो को लेकर चलेंगे और पीकेट के अंदर कलर करके दिखाएंगे आपको और बैकग्राउंड को HD भी करके दिखाएंगे। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले गाइज आप मेरे फोटो को देखिए, यहाँ पर दोस्तों मेरा फोटो आ चुका है। तो सबसे पहले आपको चले जाना इफेक्ट वाले पे, और इफेक्ट वाले पे फर्स्ट में आपको FX पे जाना है, HDR पे क्लिक करना है। इससे आपका फेस देखिए कितना कमाल का हो रहा है, लेकिन गाइज हमको फेस जो है कमाल का नहीं करना, हमको सिर्फ बैकग्राउंड कमाल का करना है। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे तो ग्राउंड पे ये चला जाएगा। अब इस पर सही करके इसका जो है ये सेचुरेशन इसको थोड़ा सा हाई कर देंगे लगभग इतना पर गाइज, और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे और गाइज इसको सही करेंगे। अब गाइज यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से गाइज कलर पे जाएंगे, कलर रिप्लेस पे जाएंगे और एक कोई भी कलर एक गाइज चूज कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर रेड कलर चूज करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला गाइज मैं रेड कलर जो है चूज करता हूँ, जो कि रेड हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज, तो इसको मैं हमें सही कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए जो मेरा कपड़ा का कलर है उसको मैं ब्लू करता हूँ, तो यहाँ पर गाइज इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पर ब्लू करके और इसको मैं गाइज पोर्शन पे जो है क्लिक कर दूंगा और इसको गाइज अपने सिर्फ मैं कपड़े पर गाइज इसको लगा दूंगा इस टाइप से, देखिए इसके बाद यहाँ से इसका जो कलर है वो ब्लू कर दूंगा गाइज यहाँ पर देखिए। मैं गाइज आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, कलर रिप्लेस पे क्लिक करके
न्यूएट पे क्लिक करके सिर्फ आपको अपने कपड़े पर जो इसको लगा लेना है। इस टाइप से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, सेम गाइज ऐसे ही जो आपको भी जो है कर लेना है। अब यहाँ से आपको जो कलर अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ से कपड़े को भी कर सकते हो। सिंपल सा मैं इसको ब्लू ही छोड़ देता हूँ। अब फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सनसेट का पीएनजी ऐड करता हूँ जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का गाइज लग रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा लगेगा सनसेट का पीएनजी ऐड करने पर। तो जैसे कि दोस्तों मैं सनसेट का और एक ये वाला दो पीएनजी यहाँ पर ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो सनसेट को मैं इस टाइप से ब्लेंड पर स्क्रीन पर करके यहाँ पर ऐड करूँगा इतना पर, और इसका जो ऑफसेट है ना थोड़ा सा गाइज कम करूँगा बस इतना पर। इसको गाइज इसको मैं ब्लेंड पर करके स्क्रीन पर करके इसको मैं कुछ इस टाइप से गाइज यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए इस टाइप से गाइज इसको मैं ऐड करूंगा, अब सही करूंगा। और गाइज यहाँ पर मैं ना कुछ भी नहीं करूंगा यार, सिंपल सा अपने फोटो को अब मैं सेव कर लूंगा। तो गाइज और एक चीज कर लेना है, बैकग्राउंड को और खतरनाक करना है तो आपको आ जाना इस वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पर लास्ट में आना है फेटल वन पे। देखना है गाइज फेटल वन आपके फोन में कहाँ पर दिया है गाइज, तो फेटल वन को सिंपल से आपको क्लिक करके और इसको देखिए कि फेस कितना खतरनाक गाइज लगा है। तो ये दोस्तों नहीं करना, बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और गाइज हमको यहाँ पर सही करना है। और दोस्तों इस वाले पे आना है और नॉर्मल यहाँ पे देखना है कौन सा गाइज अच्छा लगेगा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारा जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो कोई भी एक गाइज आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ इतना पर, और इसको मैं सही कर दूंगा गाइज। देखिए कितना कमाल का हमारा जो फोटो लग रहा है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद गाइज फोटो को ब्लर करके आपको दिखाता हूँ फोटो रूम से। तो गाइज फोटो रूम होगा तो आप फोटो रूम से ब्लर करके काफ़ी ज़्यादा कमाल का ब्लर जो है होता है। यहाँ पर देखिए कितना कमाल का जो बैकग्राउंड जो हमारा ब्लर होगा आप लोग के सामने मैं ब्लर करके दिखाऊंगा गाइज। यहाँ पर आपको नीचे में जहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग क्लासिक लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपल से ब्लर वाले पे क्या करना कि आपको क्लिक कर देना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना, क्लिक करना है। और क्लिक करने का गाइज अगर आपको हार्ड ब्लर करना है तो आपको सिंपल से गाइज आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वाले पे क्लिक कर देना, और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे ये वाला ब्लर पे क्लिक करके पहले वाले को कुछ इतना पर बढ़ाएंगे गाइज। ये देखिए कितना कमाल कलर है, जितना आपका मन करेगा उतना आप ब्लर रख सकते हो। तो सिंपल सा इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद गाइज इसका जो लोगो आया उसको सबसे पहले मैं हटाऊंगा, और उसको हटाने के बाद गाइज आपको मैं यहाँ पर पीएनजी वगैरह ऐड करके दिखाऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को गाइज। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने पिकट को ओपन किया और पिकट के अंदर अपने फोटो को गाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये ब्लर वाला फोटो को सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद बिना ब्लर वाला फोटो को सेलेक्ट करके इसका साइज पूरा बराबर में फिट कर दूंगा, यानी कि पूरा फुल करके, और इन्वेट पे क्लिक करके फोटो रूम का जो आइकन है इसको हमको हटा देना है गाइज। इस टाइप से हटाना है, सही करना है। एंड इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ पीएनजी वगैरह है उसको मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो गाइज ये तीन पीएनजी है, तो सबसे पहले इस वाले पीएनजी को ब्लेंड पे स्क्रीन पर कर लूँगा, इसको भी ब्लेंड पे स्क्रीन पर कर लूँगा, और इसको भी गाइज यहाँ पर देखिए तीनों को ब्लेंड पर स्क्रीन मोड में कर लेना, और इसको गाइज आपको यहाँ पर ऐड करना है इस टाइप से गाइज। देखिए कितना कमाल का लग रहा है। और गाइज इसका कलर आपको चेंज करना है एडजस्ट पे जाकर, इस पर जाएंगे और इसको मैं ये वाला कलर रखता हूँ। अब दोस्तों सही करूँगा, अब बहुत हार्ड पे आऊँगा, इस वाले कलर को सॉरी पीएनजी को मैं यहाँ पर रखूँगा, और इसका ऑफसेट थोड़ा सा कम करूँगा इतना पर, और ये वाला गाइज जो है ना इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ लगभग इतना पर गाइज, ये देखिए। और इसको गाइज मैं सिंपल सा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर, सिंपल सा मैं ऐड करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, और इसको मैं सही कर दूँगा। सो गाइज यहाँ पर फोटो कमाल का हो चुका है। अब दोस्तों इसको मैं स्मूथ करूँगा, तो आपको मैं स्मूथ करके दिखाता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, वो भी हार्ड वाला स्मूथ। तो सिंपल सा फोटो को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद गाइज हम रेमनी एप्लीकेशन का यूज करके अब दोस्तों क्या करना है कि फेस स्मूथ करना है, जो कि फेस स्मूथ गाइज काफ़ी ज़्यादा लोगों को आता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइज, मैं हूँ ना गाइज, आपको फेस स्मूथ करना भी सिखाऊंगा। तो सिंपल से आपको फोटो को शेयर कर देना है स्केच बुक के अंदर, और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है कि ये वाला ब्रश लेना है गाइज, जो कि सबसे आसान और सबसे बढ़िया ब्रश है गाइज, ये वाला लेना है। सेटिंग आपको इतना पर रखना है, सेटिंग को दोस्तों ध्यान से देखिए। अब दोस्तों फोटो पर जूम कर लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ से साइज को थोड़ा सा बड़ा करके, और इस टाइप से गाइज क्या करना कि आपको अपने फेस पर जो इसको रगाना है। देखिए कितना कमाल का जो स्मूथ हमारा हो रहा है गाइज,
ऐसे दोस्तों पूरे के पूरे फेस पर रगड़ेंगे तो हमारा पूरा का पूरा फेस स्मूथ होगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा गाइज। आप लोग के सामने मैं करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सी टाइप से गाइज आपको पूरे के पूरे फेस पर जो है स्मूथ करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का गाइज लग रहा है दिखने में। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा चेहरा हमारा क्लीन और काफ़ी ज़्यादा मुलायम गाइज लग रहा है। तो पूरा का पूरा फेस स्मूथ करके भी गाइज आपको दिखा देता हूँ। और गाइज जब तक फेस स्मूथ हो रहा है तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितना ज़्यादा हार्ड जो है फेस स्मूथ गाइज लग रहा है। एंड इतना गाइज हमारा फेस स्मूथ जो है हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर साइज को थोड़ा सा छोटा करके लगभग यहाँ पर 30 के आसपास और नाकों को कर देंगे बढ़िया से गाइज। यहाँ पर देखिए इसी टाइप से गाइज आपको फोटो को आपको जो है स्मूथ करना है। देखिए कितना कमाल का हमारा स्मूथ लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा हेवी स्मूथ गाइज लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा आसानी से गाइज स्मूथ हो रहा है। आपको भी गाइज अगर करना होगा तो गाइज सेम ऐसे ही दोस्तों स्मूथ करेगा, आपका फोटो सेम टू सेम गाइज मेरे जैसा बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना मस्त स्मूथ जो है हो चुका है। अब दोस्तों गर्दन को करेंगे तो साइज को बड़ा कर लेंगे और गर्दन को दोस्तों स्मूथ करेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं बढ़िया तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छे से मिला देता हूँ, जो कि काफ़ी तक अच्छा लगेगा गाइज। यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अब दोस्तों गर्दन को स्मूथ करेंगे। और दोस्तों इतना काम हो ही चुका है तो गाइज अब हम फोटो को लेकर चलेंगे लाइटरूम के अंदर और अपने फेस को और ज़्यादा वाइट करेंगे। तो सिंपल सा फोटो को शेयर कर देंगे लाइटरूम के अंदर। एंड लाइटरूम के अंदर गाइज आपको बढ़िया तरीके से मैं लाइट एडजस्ट करके दिखाऊंगा, वो भी गाइज फेस आपका वाइट होगा क्लियरली, काफ़ी ज़्यादा कमाल का HD क्वालिटी में होगा। आपको मैं दिखाऊंगा भी किस टाइप का मैं कर रहा हूँ और पूरा तरीका दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जैसा कि मेरा फोटो आ चुका है, फोटो को तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फोटो हो चुका है। तो सबसे पहले आपको लाइट वाले पे जाना और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे बढ़ाएंगे, और शेडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको भी, और ये जो व्हाइट है ना इसको थोड़ा सा लो करेंगे लगभग इतना पर गाइज। और दोस्तों यहाँ पर जो कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे लगभग 6 पर। अब गाइज आ जाएंगे ये कलर वाले पे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे नीचे वाले को। अब रीडिंग पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा माइनस, इसको भी और इसको भी, तीनों को थोड़ा थोड़ा बराबर में कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों मिक्स पे जाएंगे, पहले वाले को थोड़ा सा हाई कर देंगे और दूसरा वाला है ना इसको इतना माइनस करेंगे और नीचे वाले को इतना प्लस करेंगे, जो गाइज हमारा फेस व्हाइट हो रहा है, फेस पर लाइट आ रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना कमाल का फेस हमारा लग रहा है। तो ऐसे दोस्तों फेस पर इतना ज़्यादा जो है लाइट आ चुका है गाइज, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो सिंपल से इसको मैं इतना पर रखता हूँ और गाइज येलो वाला इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको। अब दोस्तों आ जाना है हमको सीधे ब्लू वाले पर, इसको हाई कर देंगे और इसको भी दोस्तों हाई कर देंगे। अब दोस्तों आ जाएंगे इस वाले पे, इसको इतना पर लो कर देंगे और दोस्तों डाउन करेंगे। अब आ जाएंगे दोस्तों इफेक्ट पे, क्लैरिटी को बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा लो करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों फेस कितना ज़्यादा पहले से वाइट हो चुका है और फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल का गाइज लग रहा है। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।